संदीप किशन की माइकल फिल्म आज 3 फरवरी को रिलीज हो चुकी है। फिल्म का नाम माइकल है, जो कि एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में मुख्य भूमिका में आपको नजर आने वाले हैं विजय सेतुपति, संदीप किशन, वरलक्ष्मी, गौतम, दिव्याशी जैसे और भी बड़े बड़े एक्टर आपको फिल्म में नजर आने वाले हैं। फिल्म की कहानी गैंगस्टर पर है। अगर दोस्तों आपने पहले संदीप किशन की गली राउडी फिल्म देखी है तो उसी टाइप की फिल्म की कहानी होने वाली है। लेकिन हाँ, इसकी कहानी दूसरी फिल्मों की तरह नहीं है, पूरी तरह से अलग है। साथ ही इसमें एक्टर भी बड़े बड़े लिए गए हैं। बात करें फिल्म के फर्स्ट हाफ की तो फर्स्ट हाफ पूरा एंगेजिंग है। स्टार्टिंग में आप थोड़ा बोर हो सकते हो। फर्स्ट पार्ट का पूरा टाइम स्टोरी के बिल्डअप में ही जाती है, लेकिन फिर भी फिल्म की कहानी आपको आखिरी तक बांधे रखती है। इसके अलावा सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट भी बहुत मजेदार होता है, लेकिन उसमें एक बुरी बात है कि क्लाइमैक्स में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। लोग वेट करते हैं कि क्लाइमैक्स में हमें कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता और नॉर्मल तरीके से फिल्म की कहानी पूरी हो जाती है। बात करें फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी गैंगस्टर पर है, जिसमें बड़े बड़े गैंगस्टर के बीच लड़ाई होती है। फिल्म की शुरुआत काफी मजेदार तरीके से होती है, जिसमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जो कि समुद्र के किनारे खड़ा होता है। आगे कुछ ही टाइम बाद एक सीन आता है जिसमें संदीप किशन स्कूल से साइकिल पर आ रहा होता है। तभी उसके सामने कुछ लोग आ जाते हैं जो किसी गैंग के होते हैं और उन्हें तुरंत माइकल गन बाहर निकलकर मार देता है। उसके बाद धीरे धीरे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और फिर माइकल भी एक गैंगस्टर बन जाता है। अब शुरुआत में तो कहानी थोड़ी जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है, लेकिन थोड़ी देर बाद कहानी स्लो हो जाती है, जिसके बाद पूरी फिल्म में ऐसे ही चलता है। फिल्म का क्लाइमैक्स कुछ खास नहीं है। फिल्म को देखकर जिस तरह की उम्मीद लगाई जा रही थी, वैसा क्लाइमैक्स फिल्म में देखने को नहीं मिला। बाकी इसके अलावा फिल्म की कहानी बहुत ही बढ़िया है।